हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं। देख सकते हैं काबुली चना है और इसको फुला दिए थे रात में और फूल गया फ्रेंड। इसको 3 से 4 सीटी मारेंगे, छोला बनाएंगे इसका, काबुली चना का। तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड इसको 2 पानी से धो लिए हैं फिर, और इसको डाल लेते हैं कुकर में। और इसको फ्रेंड 2 से 3 गिलास पानी दे देते हैं उबलने के लिए। और इसको सीटी मार देते हैं फ्रेंड, और सीजने के बाद इसको बनाएंगे छोला। तो अभी कुछ नहीं डालेंगे, नमक हल्दी कुछ नहीं डालेंगे, इसी तरह उबालेंगे 3 से 4 सीटी। फ्रेंड हम चढ़ा दिए हैं कुकर को गैस में, और 3 से 4 सीटी मारेंगे। उसके बाद उतार के फिर सामान मान रेडी करते हैं फ्रेंड, सब्जी का, छोला का। तो फ्रेंड सीटी मारने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड 2 सीटी हो गया है और 2 सीटी और मारना है। इसमें और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी गर्म होने देते हैं कढ़ाई को, इसके बाद तेल डालेंगे फ्रेंड। रख लिए हैं धो के, और 2 प्याज है फ्रेंड और 3 टमाटर है, और मसाला भी रेडी कर लिए हैं देख सकते हैं, लहसुन मिर्चा और जीरा घोल की और हल्दी। तो फ्रेंड रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डालेंगे। तो 2 चम्मच जैसा तेल डाल रहे फ्रेंड, डालते हैं फ्रेंड। तेल गर्म हो गया है, इसको लाल होने तक पकाते हैं फ्रेंड। प्याज को हल्का ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद फिर मसाला डालेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे और लास्ट में छोला डालेंगे फ्रेंड। हल्का हल्का प्याज भून गया है तो इसमें हम डालेंगे मसाला तैयार किया हुआ। इसको भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसमें फ्रेंड टमाटर डालेंगे, 3 टमाटर।
और टमाटर जलने तक इसको पकाएं टमाटर को भी। और इसमें फ्रेंड स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से पकाएं टमाटर को और इसको ढक के पकाते हैं फ्रेंड कम कम आंच में, अच्छी तरह से टमाटर पक जाए। देखते हैं टमाटर गला कि नहीं। अच्छी तरह से गल गया फ्रेंड, जैसे सकते टमाटर पानी छोड़ रहा है टमाटर का और अच्छी तरह से पक गया है। जैसे सकते भाप की वजह से कैमरा थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, तो ऑलमोस्ट टमाटर गल चुका है। जैसे सकते बहुत अच्छा टमाटर गल गया, ढकने से बहुत जल्दी गलता है फ्रेंड। तो इस तरह का पकाएं और कम कम आंच में गैस में। तो फ्रेंड मसाला पानी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा मसाला था। इसको भी ज़्यादा अच्छे पकाइए, मसाला डाल सकते हैं, जैसे सकते चाट मसाला है छोला में डाल सकते हैं, हल्का सा डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको भी पकाते हैं अच्छी तरह से। पानी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है सब्जी का, ग्रेवी है सब्जी का ग्रेवी। तो इसमें फ्रेंड हम छोला डालेंगे, घी भर डाल देते हैं फ्रेंड कुकर में है। और लास्ट में फ्रेंड डालेंगे इसमें छोला मसाला डालेंगे लास्ट में डालेंगे फ्रेंड छोला मसाला डालेंगे, देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं खाने के लिए। आप रोटी साथ भी खा सकते हैं, पूरी साथ खा सकते हैं, बटर रोल साथ खा सकते हैं, चावल साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और बना के टेस्ट करके देखिएगा फ्रेंड कैसा बना। तो ये खाने के लिए रेडी हो गया फ्रेंड, दे सकते हैं फ्रेंड सर्व करके आप सबको दिखा रहे फ्रेंड। पूड़ी और ये है छोला काबली चना वाला, और चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी साथ भी खा सकते हैं फ्रेंड।